दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेसो ऐप में एड्रेस चेंज कैसे करते हैं। दोस्तों, आपका एड्रेस जो है कहीं और का है और अब आप दोस्तों एड्रेस कहीं और का डालना चाहते हैं। जैसा कि मेरा जो है एड्रेस यहाँ पे जो है मेरा खुद का एड्रेस है। अब दोस्तों मैं पार्सल दोस्त के यहाँ भेजना चाहता हूँ तो वहाँ का मुझे एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। तो उस तरीके से आप कैसे डाल पाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। और एक और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरा एड्रेस गलत है, मैंने खुद का एड्रेस जो डाला है उसमें, अगर आप एडिटिंग करना सीखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। मैं आपको टोटल चीज़ें एड्रेस से रिलेटेड बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पर जो है ये टी शर्ट है और ये टी शर्ट पर मैं क्लिक किया हूँ और इसे दोस्तों यहाँ पर बाय करने के लिए, यहाँ पर ख़रीदने के लिए यहाँ पर बाय नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइज सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दोस्तों बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस के ऑप्शन में हम आ चुके हैं। एड्रेस के ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट डिलीवरी एड्रेस का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो है तीन तीन एड्रेस डाला हुआ है, यहाँ पे तीन तीन एड्रेस डाला हुआ है। और मैं एक और एड्रेस आपको डाल के दिखाऊंगा, उससे पहले दोस्तों मैं एड्रेस में एडिटिंग भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों मेरा एक एड्रेस डाला हुआ है पहले से, तो इसमें अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको जगह का गड़बड़ी हो गया है, गलत हो गया है, तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप जो है यहाँ पर एरिया का जो है नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं, या फिर यहीं से भी आप टोटल चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप बिल्डिंग नेम में आप अपना बिल्डिंग नेम डाल सकते हैं, या फिर जिसका आप जहाँ पे आप पार्सल भेजना चाहते हैं उसका बिल्डिंग नेम आपको डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको दिख जाएगा रोड नेम एरिया एंड कॉलोनी का ऑप्शन। तो आपको अपने कॉलोनी का नाम डालना है, आपको अपने विलेज का यहाँ पर अपना नाम डाल, आपको दोस्तों यहाँ पे आपको अपने छोटे से एरिया का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पिन कोड का एक ऑप्शन दिखेगा। पिन कोड के ऑप्शन में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है, आपको अपने सिटी का पिन कोड डालना है। अगर आपको याद नहीं है तो गूगल पे जाकर और आप अपने सिटी का नाम लिखेंगे और पिन कोड बोलेंगे बताने को गूगल को, तो वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपको पिन कोड वहाँ से कॉपी कर देना है एंड उसके बाद दोस्तों अब आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सिटी का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे दोस्तों मेरा जो है पिन कोड डाला हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया हुआ है ये वाला पिन कोड। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेट डालना है। स्टेट में मैं यहाँ पर बिहार डाला हूँ, जिस स्टेट से आए आपको वो स्टेट डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिटी अपना डाल देना है और आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे मेन चीज़ें दिखेगा नियर वे फेमस प्लेस का ऑप्शन। इसमें शॉप है, स्कूल है, टोटल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या डालना है, जैसे कि आपको अपने एरिया का सबसे फेमस चीज़ डालना है, जैसे कि जहाँ तक आपको डिलीवरी बॉय आ सकता है तो आपको फेमस चीज़ें डालना है। जैसे कि आपको हॉस्पिटल है आपके एरिया का फेमस, तो आप हॉस्पिटल डाल सकते हैं, मंदिर डाल सकते हैं, मस्जिद डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको शॉप का भी ऑप्शन दिख रहा है, तो शॉप भी आप डाल सकते हैं, मॉल वगैरह भी डाल सकते हैं। तो जो भी फेमस है आपके एरिया का वो आपको डाल देना है ताकि डिलीवरी बॉय आसानी से वहां तक पहुंच जाएगा। अब दोस्तों आप जैसे ही आप उससे नीचे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आपको नाम डालना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नेम नंबर के ऑप्शन में आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जिस नंबर में जिससे कि आपको इसी नंबर से कांटेक्ट कर पाएगा डिलीवरी बॉय आके कॉल करेगा। तो आपको वही नंबर यहाँ पर डालना है जो वो चालू है, तो आपको वो नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर आप पार्सल किसी दोस्त के यहाँ भेज रहे हैं तो आपको दोस्त का नंबर यहाँ पर डालना है ताकि उस पर कॉल करके डिलीवरी बॉय जो है बात कर सकता है और सामान ले सकता है। तो आपको यहाँ पर अगर दोस्त के यहाँ भेज रहे हैं तो दोस्त का ही आपको नंबर डालना है। अगर आप अपना यहाँ पे अपना एड्रेस डाल रहे हैं, अपने यहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो आपको अपना नंबर डालना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये एड्रेस सेव हो चुका है फिर से एडिट होके। और उसके बाद दोस्तों डिलीवर टू दिस एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये जो है एड्रेस जो है ऐड हो जाएगा, डिलीवरी एड्रेस के ऑप्शन में सिलेक्ट हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो ये दोस्तों अब आप यहाँ पे जो है पेमेंट के ऑप्शन में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में आ गया हूँ, मेरा एड्रेस का प्रोसेस टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जिस मर्जी जैसे मर्जी वहाँ पे ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप सामान को ऑर्डर कर सकते हैं एड्रेस डाल के चेंज करके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।